विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। हर बार क्रोध के बाद अगर आप माफी मांगते रहे तो कुछ दिनों के बाद देखोगे क्रोध की ताकत समाप्त हो गई। खास करके यहाँ जो लोग क्रोध से पीड़ित है, जिनसे क्रोध हो ही जाता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके इकाई को इंसाफ का ईश्वर इकाई प्रार्थना करेंगे। मुझे माफ करने में मदद करो, मुझे साफ करने में मदद करो, मेरा इन साफ करो, मुझे स्वीकार करने में मदद करो, मुझे प्यार करने में मदद करो। सभी ये जोर से भी कहेंगे, मुझे प्यार करने में मदद करो। मुझे स्वीकार करने में मदद करो, मुझे माफ करने में मदद करो, मुझे साफ करने में मदद करो, मेरा इन साफ करो। अब जीवन की एक एक घटना जो भी याद आए, पत्थर या ताने, नाराजगी कट्टी बट्टी, स्वास्थ्य पैसा, कुछ अटका है, रिजेक्ट हुआ है, जो कार्य अटके हैं हो नहीं रहे, वो सामने लाकर उसमें इन्वॉल्व जो भी लोग हैं उन सब के लिए मुझे क्षमा करो। इकाई को कहेंगे उन सब के लिए मुझे क्षमा करो। गुरु को साक्षी रखकर या अपने आदर्श को या जो भी जिसके सामने आप कमिटेड होते हो उन्हें सामने रखकर साक्षी रखकर ईश्वर से क्षमा मांगें। जो भी लोग जुड़े हैं उस समस्या में उन सबको माफ करो, पहले मुझे साफ। मैं दिल से क्षमा मांगता हूं, इसमें मेरा कोर थॉट काम कर रहा है, थोड़ा सा ही सही लेकिन कोर थॉट सिटी बज रही है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कृपया मुझे माफ करें। हाथ जोड़कर हाथ उठाकर जो भी आसन आपको भाव देता है, भावना देता है, उस आसन में
इकाई से क्षमा मांगे। यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं सबके लिए क्षमा मांगू। अब उस समस्या में जो अपने फॉल्ट भी दिख रहे हों, उनके लिए उन लोगों से क्षमा मांगे। कि मेरे इस व्यवहार से तुम्हें चोट पहुंची है, जाने अनजाने में आपको बुरा लगा है, उसके लिए मुझे क्षमा करो। अपनी गलती बताकर क्षमा मांगे। मैंने तुमको झूठा समझा, मैंने तुम पर दोष लगाया, मैंने पीठ पीछे बड़बड़ की, मैंने चुगली की, जो भी आपको दिख रहा हो, मैसेज नहीं पहुंचाया, घुमा फिरा कर बात किया, तुम्हें व्यक्ति समझा, तुम्हें शरीर समझा, डर पर भरोसा किया, लालच पर भरोसा किया, पैसे को ही महत्व दिया, जो भी दिखे उसके लिए तुरंत उससे क्षमा मांगे। मैं फिर से रेस्पेक्ट कर रहा हूं, रिस्पेक्ट कर रहा हूं, मैं तुम्हें रेस्पेक्ट करता हूं। दिल से क्षमा मांगे। आगे से ये नहीं होगा, यह सजगता मैं रखूंगा, रखूंगी। मैं दिल से चाहता हूं ऐसी बातें फिर से न हो। गुरु को साक्षी रखकर मैं क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। जो भी करेक्टर्स दिखे उनके साथ किए गए कार्य, शरीर, वाणी, भाव, विचार से सभी के लिए क्षमा मांग लें। भाव में भी गालियां दी, बुरा सोचा, द्वेष जगाया, नफरत को महत्व दिया, बद्दुआ निकली, उनके लिए क्षमा मांग लें। अपने व्यवहार के लिए मैं खुद को भी क्षमा करता हूं, सभी से क्षमा मांगता हूं। इकाई जानता है कौन सा कोर थॉट इसमें बज रहा है, कार्य कर रहा है। कृपया उसे मिटा दें। मिटने के लिए ही वह ऊपर आया है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं उस कोर थॉट के लिए, चाहे अनजाने में उस कोर थॉट को मैंने पाला पोसा है, मगर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं,
इसलिए तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा है, तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा है। मुझे प्रेम से भर दो, कोर थॉट को मिटा दो, कोर थॉट के पीछे प्रेम है, आनंद है, मौन है, उसे जागृत करो। मन ही मन में प्रेम आनंद मौन का जाप करो, धन्यवाद देकर, धन्यवाद यानी काम हो गया, इस खुशी के साथ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। हर बार क्रोध के बाद अगर आप माफी मांगते रहे तो कुछ दिनों के बाद देखोगे क्रोध की ताकत समाप्त हो गई। खास करके यहां जो लोग क्रोध से पीड़ित है, जिनसे क्रोध हो ही जाता है न चाहते हुए भी, संस्कार इतना गहरा है, उन लोगों के लिए तो ये रामबाण औषध है कि क्रोध आया हमने तुरंत अंतर मन में आप माफी भी मांग रहे हो। देखो एक सीन, बाहर क्रोध चल रहा है अंदर माफी मांग रहे, इतनी सजगता आ सकती है। तुरंत अगर आप साफ करते हो तो ये अच्छा है रात में करने से, रात में तो करोगे ही, मगर तुरंत कर दिया आपने तो उसका असर जो दिन भर रहने वाला था उससे भी बच गए। तुरंत मांग लेने को कहते कमर्शियल ब्रेक। जब आपके ड्रेस पर चाय का डाग गिरता है तो आप क्या करते, सब काम छोड़कर पहले एक नैपकिन लेते हो, टॉवेल लेते हो, उससे उसको डुबोकर पानी में उस पर रगड़ते हो कि ये अभी ताजा है तो अभी करेंगे तो मिट जाएगा, तो तुरंत कमर्शियल ब्रेक लेते हो। कमर्शियल ब्रेक यानी आप सब काम आधे में छोड़कर पहले वो काम पूरा करते हो। क्या आपको मालूम है एक मिनट लगेगा मगर ये एक मिनट टाइमली देना अच्छा है। लोग टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं, कमर्शियल ब्रेक आती तो अभी बैठे ही रहते चेयर पर, तो उनको कहा जाता है कमर्शियल ब्रेक यानी कमर सीधी करो, अभी उठो जगह से उठो। तो जैसे आपने क्षमा मांग ली कमर सीधी हो गई, अक्कड़ आ गई थी ना, जो अक्कड़ खत्म हो गई क्योंकि तुरंत साफ कर लिया, तुरंत इंसाफ कर लिया, इंसाफ तुरंत, वेट मत कराओ, तारीख पर तारीख मत दो, तुरंत सफाई हो जाए। इस पर आपको काम करना है, यानी उन लोगों को मन के सामने लाना है जिनके साथ कुछ कर्म बन गए हैं, अपने रिश्तेदार, किसी को याद करते ही बुरा लगता है और किसी को आपने बहुत कुछ बुरा बोल दिया है और किसी को सामने नहीं बोला मगर अंदर बहुत बोला है, उसको अंदर बहुत गालियां दी है उसको, तो आप कहां मुक्त हुए फिर, आपकी रेखा उसके साथ तो जुड़ी हुई है। जो मुक्ति पथ पर चलना चाहता है वो क्या चाहता है, सारी रेखाएं मिटा दूं, उनको बुलाकर क्षमा मांग लूं। अब आपको सीखना है आकाश में कैसे कर्म करने हैं। तो आकाश में आप लकीर खींचोगे बनेगी ही नहीं, कर्म की लकीर खींचोगे बनेगी ही नहीं।
पानी पर खींचोगे तो बनते बनते खत्म ही होती जाती है। पानी पर लकीर खींचो, बनते बनते खत्म ही होती है, मगर बनती तो है। आकाश की लकीर बनती ही नहीं, आकाश पर लकीर खींची दिखी किसी को? दिखी नहीं। तो मुक्ति की अवस्था आप महसूस करोगे, अंदर से हल्कापन लगने लग जाएगा, मगर टॉपिक समझी है तो, वरना तो कहोगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इस घटना में फिर मैं क्या करूं, फिर ऐसे छोड़ दूं, कैसे क्या छोड़ दूं उसको, दो तो सुनानी चाहिए उसको। समझता क्या है खुद को, मैंने भी चूड़ियां पहनकर नहीं रखी है। तो क्या क्या चलता है, ये तो एग्जाम्पल थे, छोटे मोटे डिसेंट एग्जाम्पल बताया आपको, लोग तो क्या क्या गालियां देते हैं। तो यहां तीसरा पर्सन जो है उसको कितना क्लियर है कि मैं दान देने वाला कौन। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।